you know, it's an everyday thing we do, that we look at things and in our head we process all sorts of information and figure a lot of these things out. And now with computers we are trying to mimic those capabilities and hopefully in some dimensions do better because of the larger processing requirements. Now, similarly, there's one thing we do a lot. We talk to each other a lot. Right? इसका कोई आज के जमाने में डिजिटल एज में कोई डिजिटल वर्जन भी है जो आप लोग में भी शायद इन्वॉल्व होंगे? आप नहीं तो आपके बड़े सीनियर कोई लोग आपके दोस्त बाकी स्कूलों में फेसबुक पे एक दूसरे को फोटोज भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं, राइट? ये चीज वही है. यू सी, एज ह्यूमन बीइंग्स वी लाइक टू, वी आर अ वेरी कम्युनिकेटिव पीपल. वी वॉन्ट टू नो वॉट अदर्स आर फीलिंग, वॉट वी आर फीलिंग, वॉट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, एंड दैट हैज वैल्यू टू अस टू बी एबल टू इंटरैक्ट. एंड दैट सेम हैज पीस टूडे has led through the evolution of modern communication technology that any of us can talk to anybody no matter where they are in India or abroad. Aap log travel karte hain, cell phone ke through aap continuously baat karte hain. Apne parents aap travel kar rahe hain, kahin wo kahin ja rahe hain, phir bhi aap baat karte hain. Aaj ke din 10 saal pehle ye common nahi tha, right? What has made it possible? Fundamentally it is communication technology. कम्युनिकेशन में भी हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अलग कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग को थोड़ा सा अलग कहते हैं और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अदर कहते हैं. बट हम इस टॉक में विल मिक्स द टू थिंग्स एंड टॉक अबाउट द होल पिक्चर, सो दैट्स व्हाट वी केयर अबाउट इन द एंड. सिमिलरली आज के दिन डिजिटल वर्ल्ड में हम टेक्स्ट के थ्रू, SMS के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू और कई माध्यम है उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन में रहते हैं, राइट? जिसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं. ये लेक्चर मैं यहां खड़ा होकर ना देके मैं दिल्ली से भी दे सकता था. ऐसे केस हुए भी हैं DEI में, कई बार लेक्चर अमेरिका से भी डिलीवर कराए गए. ये एक चीज हो गई, राइट? एक और चीज हो गई, आप अपने बैंक का अकाउंट जाके ऑनलाइन देख सकते हैं. आप रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेन की हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. आजकल तो बोर्डिंग पास भी ऑनलाइन प्रिंट करके सीधे एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं. ये सब माध्यम से आपको सुविधा, और जो आपको टाइम लगता जाया होता, पहले स्टेशन तक जाते, लाइन में लगते, टिकट लेके आते, फिर वापस आते, आपके 2 घंटे जाया होते, एक पैसा भी जाया होता, वो आपका काम 2-5 मिनट में हो गया, राइट? जिससे कि हम सबका जो है काम फालतू की चीजों में कम लगा और होपफुली और यूजफुल चीजों में हम लगा सकते हैं. इसी तरह आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, कि आज से 20 साल पहले अगर हम चाहे IIT में ही पढ़ रहे थे, हमको कोई पेपर से स्टडी करना होता था, कोई रिसर्च पेपर देख रहे थे, या कोई हम आप ही ने अपने उसमें सेमिनार टॉपिक बना रहे हो, आपके स्कूल में भी होता है कुछ, आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको मटेरियल कलेक्ट करना है. तब कैसे करते थे? लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में 2 बुक है, वो भी पुरानी है, 6 साल पुरानी, वो भी एक इश्यू हो गई, उसमें से वो पेज फटा हुआ है, आपका काम रह गया या आधा रहा. अब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल, आप नेट पे जाओ, 2-4 गूगल सर्च करो, जो चीजें आपको पता भी नहीं वो भी सामने आ जाएंगी, उसमें से 2-4 आप चुनो, विकिपीडिया खोलो, कुछ खोलो और सब कुछ आपको ऑन योर टिप्स ऑफ योर फिंगर्स मिल गया आपको. तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, दैट इज द डाउन साइड, बट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको ढूंढनी आती हो तो आप बहुत जल्दी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट? यहां तक भी हो गया है कि आजकल तो किताबें ऑनलाइन ई बुक्स मिलती हैं, राइट? आपकी ये तक है NCERT की बुक है, आप NCERT की साइट से जाकर PDF पूरा डाउनलोड कर सकते हो, राइट? अपने कंप्यूटर पे रख लो, उसी को वहीं पढ़ लो, प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो, राइट? खरीद भी सकते हो, वो भी यूजफुल है. मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए एजुकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज आपके पास, जो पहले खाली कुछ लोगों को बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े महंगे महंगे
हालातों में ही मिल पाते थे, और बाकी जो आदमी थोड़ा सा दूर है उसके लिए वो सब चीजें बहुत मुश्किल थी। आज अगर कोई बच्चा किसी दूर के देश में भी पढ़ रहा है और उसको कोई चीज सब्जेक्ट पे स्टडी करनी है, तो अगर इंटरनेट का कनेक्शन उसके पास प्रॉपर हो, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उसके पास हो, तो फिर भी स्टडी कर सकता है, और अगर वो चाहता हो पढ़ने, विच इज वेयर द रियल इशू नाउ लाइज, कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं और कितना आप फोकस करना चाहते हैं, क्या आपका शौक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट तो ये सब माध्यम में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप आगे चल के देखें तो अभी तक हम बात कर रहे थे दो किस्म के कम्युनिकेशन की, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, राइट, दो ह्यूमंस आपस में बात करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर्स दैट दे हैव और द सेलफोन दे हैव इन देयर हैंड आर द डिवाइसेस थ्रू विच दे कम्युनिकेट, बट द पर्पस इज टू मेक टू ह्यूमंस कम्युनिकेट। फिर दूसरा हमने बोला, हम गूगल सर्च वगैरह से जाके एक ह्यूमन एक मशीन से इंफॉर्मेशन लिया, ह्यूमन टू मशीन। द तीसरा आज के दिन थोड़ा नया जिसको कहते हैं वो हो गया है कि अब हमारी मशीनें ही आपस में बात करेंगी। जैसे थोड़ा सा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया, एक बच्चा सो रहा है, उसके ऊपर कैमरा लगा है, कैमरा मॉनिटर कर रहा है कि बच्चे की ब्रीदिंग रेगुलर है या नहीं, राइट, और माँ जो है अभी माँ को वो बीच बीच में जाके फोटो देखते रहना पड़ेगा कि वो ब्रीदिंग रेगुलर है या नहीं। माँ उधर की तरफ एक डिवाइस डाल सकती है इमेज प्रोसेसिंग का, जो उसकी इमेज प्रोसेस करता रहे और बोले उसकी वो हार्ट बीट निकालता रहे और देखे अच्छा इसकी जो ब्रीदिंग जो है 40 to 60 के नॉर्मल रेंज में चल रही है, कुछ नहीं करना, माँ को देखने की जरूरत नहीं। अगर जैसे ही वो कुछ गड़बड़ हुई तो वो एक टी करके अलार्म दे। तो अब क्या है कि एक मशीन दूसरे मशीन से बात करके सारी सिचुएशन मॉनिटर कर रही है। मेरे पास बात तभी आएगी जब कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरे पास 4-6 मशीनें हैं, वो कुछ कुछ कर रही है, मैं कार में बैठा हूं है, मेरा फोन मेरी कार से बात कर लेता है, मेरी कॉल आ रही है, कुछ आ रहा है, कार में प्रॉब्लम आ रही है, वो फोन उसको इन्फॉर्मेशन ले लेता है। अंडरस्टैंडिंग इस तरह की चीजें लोग अब सोच रहे हैं और उसके पर रिसर्च हो रही है, इसको कहते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, और इसको ये भी कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, के जो डिफरेंट आज के दिन हम बोल रहे थे 6 बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं, धीरे धीरे करके सारे 6 बिलियन ह्यूमन बींग्स के सेलफोन आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान में भी कहते हैं 50% से ज्यादा टेलीरेसिपी चली गई है, तो एक्सपेक्ट करते हैं और 5-7 साल में हर आदमी के पास एक फोन तो हो गई। अब वो बोल रहे हैं हर आदमी के पास 10 चीजें होंगी, उन हर चीज में एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस पड़ा हुआ होगा और वो आपस में चीजें बात करती रहेंगी और देखती रहेंगी अब क्या करना है, और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो अलर्ट करेगी कंसर्न ह्यूमन को, राइट। आपको यह भी पता है कि रोबोट्स का बहुत काम हो रहा है, राइट, AI में भी कुछ रोबोट्स का काम हो रहा है ना। तो लोग यही सोच रहे हैं अब रोबोट्स ही काम करेंगे, हम लोग तो बातें करेंगे खाली अगेन थोड़ा सा लाइटर वेन में। अच्छा, तो इस सब चीज को कैसे वर्क कराया जाए, थोड़ा सा आइडियाज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने देखा कि कहां कहां ये कम्युनिकेशन बहुत यूजफुल है हमारे, राइट, पर ये होगा कैसे, कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे होती है, क्या आइडियाज हैं उसके। तो सम बेसिक पॉइंट, जो भी नेटवर्क होगा ना वो यूजफुल सबसे ज्यादा तब होता है जब बहुत लोग हो उसके अंदर। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि सपोज आपके पास एक टेलीफोन है और वो टेलीफोन में आप खाली दयालबाग के अंदर के लोगों से बात कर, राइट, और एक और टेलीफोन है जो आपका नॉर्मल टेलीफोन है जिसमें आप सबसे बात कर सकते हो। तो होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक ही, अगर आपको लेके घूमना है तो आप एक ही फोन लेके घूमोगे, तो आप वो एक ही फोन लेके घूमोगे, क्योंकि जो जिसमें आप बहुत लोगों से बात कर सकते हो उसका वैल्यू बहुत है आपका। तो ये इसको एक क्वांटिफाई करने के लिए देयर वाज वन इंटरेस्टिंग रिसर्चर कॉल्ड मेटकाफ, he coined a law saying that the utility of a network of n nodes grows as n squared. So, ek network mein 1 million log honge, ek mein agar 10 million log honge, so the second network is 10 times, 100 times better than the first network in terms of how useful it is to your user. Right?
कम्युनिकेशन प्राइमरली जो हम यूज करते हैं वो दो किस्म का यूज करते हैं, वायरलेस और वायर्ड। वायर्ड का एग्जांपल तो आपने सबने देखा ही है, लैंड केबल आपने बहुतों ने देखी होगी, वो सामने देखो दो तारे जा रही है और से एक काली तार निकल रही है, दैट इज अ कंप्यूटर लैंड केबल। इसमें जैसे टेलीफोन की तार होती है वैसे चार पेयर ऑफ ट्विस्टेड वायर है कॉपर की। तो उस पे आज के दिन हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अलाउज अस थ्रू गुड सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब जो भी हम उसमें सिग्नल भेजते हैं, वोल्टेज भेजते हैं, कि हम गीगाबिट मतलब 10^9 बिलियन, सोचो 1 बिलियन बिट 1 सेकेंड में भेज सकते हैं 0-1 इंफॉर्मेशन। ये तो वायर्ड का हो गया। फिर इसको ऑफकोर्स आगे ले जाएं तो फिर ऑप्टिकल फाइबर भी आ जाता है, वो भी एक किस्म का वायर्ड कम्युनिकेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉपर पे तो सिग्नल थोड़ी देरी जाता है, लाइट सिग्नल ग्लास फाइबर में बहुत दूर तक जाता है। इनफैक्ट अंडर सी लोगों ने केबलें ले की हुई है जो इंडिया से यूरोप तक जाती है, जापान से अमेरिका तक जाती है, और इस तरह से पूरे वर्ल्ड को बांधा हुआ है। इंग्लैंड से भी अमेरिका को जाते हैं अटलांटिक के नीचे, राइट। सो दैट इज वायर्ड कम्युनिकेशन। वायरलेस जैसे आपने सेलफोन में देखा, जब आपके पास कोई तार ही नहीं है, बेतार कम्युनिकेशन। एंड वो कैसे होता है? रेडियो वेव के थ्रू। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तो थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, और कि लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई फ्रीक्वेंसीज में होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन भी शायद आपको 11th क्लास में तो पढ़ाते हैं, राइट। तो वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड टू एज दे आर द कम्युनिकेशन चैनल्स ऑन विच योर कम्युनिकेशन फ्लो, राइट। उसके बाद उसमें आप जो सिग्नल भेजोगे, जो भेजोगे, आप बोलोगे कि 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट का क्या मीनिंग है, उसको आप एनालॉग कर सकते हो कि वो वोल्टेज जैसे चेंज होती रहे, कोई भी वैल्यू हो उसका कोई और मीनिंग होता जाए। या उसको बोलो कि अच्छा 3 वोल्ट के ऊपर कुछ है और 3 वोल्ट के नीचे 0 है, 3 वोल्ट के ऊपर 1 है, तो वो किसी किस्म का डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, पर एक होता है जिसमें आप 0s और 1 भेज रहे हो, बिट भेज रहे हो, एक है जिसमें आप एक कोई भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी भेज रहे हो, राइट। तो वन इज कॉल्ड एनालॉग कम्युनिकेशन, वन इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। एंड फाइनली जो सबसे पावरफुल चीज कंप्यूटर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में डिफरेंस जो सबसे बड़ा है, कि जब मैं इंफॉर्मेशन भेजू तो जैसे मैं फोन कॉल करूं, तो सपोज दूसरा आदमी जो है उसके होगा क्या, मैं नंबर डायल करूंगा, रिंग जाएगी दूसरे आदमी के, उस पर रिंग जाएगी, दूसरा आदमी ऐसा ही सेशन अटेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो या तो फोन बज जाएगा और सबको डिस्टर्बेंस होगी, या फोन साइलेंट में होगा, ऑफ होगा, तो वो दूसरा आदमी उठा नहीं सकेगा। फिर मैं बोलूंगा जी मेरी बात तो रह गई, ठीक। बिकॉज एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें तुम एंड टू एंड कम्युनिकेशन लिंक सिंक्रोनस बनाते हो, उसी टाइम आपको दोनों साइड को कनेक्ट करना है। सिंक्रोनस मीन्स टाइम है, राइट। दूसरा होता है आपने SMS भेज दिया, विच इज एन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आपने भेज दिया, उसने जब देखना है देख लिया, राइट। और हो सकता है कि आपने भेजा पहले, वो गया खाली आपके आगरा वाले एयरटेल के, सपोज आप सब्सक्राइबर एयरटेल के आगरा वाले कंप्यूटर में गया, फिर उसके पास जब टाइम मिला उसने आगे उसको एयरटेल के दिल्ली वाले कंप्यूटर में भेजा, फिर जब आपने अपना फोन ऑन किया एयरटेल के दिल्ली वाले कंप्यूटर ने आपके फोन पे भेजा, और बीच में हो सकता है 1, 2, 4, 5, 7 इवन आधा घंटा लग जाए, राइट। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। वो इंफॉर्मेशन गई, कहीं रख दी गई, फिर वो आगे गई, फिर रख दी गई, जैसे चिट्ठी भेजते हो उस तरह सा हो गया वो, थोड़ा सा एक मतलब बहुत मोटा मोटा देखो। तो आपने भेजी, जब उसको मिलके बीच में कहीं कहीं वो स्टोर होती रही। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज ऑफन स्टोर एंड फॉरवर्ड, ईमेल इज लाइक दैट। इनफैक्ट द होल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज नॉर्मली स्टोर एंड फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा, अगर आप बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन को देखिए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
में जो प्रोपेगेटिंग वेव होती है वो पोलराइज होती है, एक प्लेन में इलेक्ट्रिकल वेव वेरी करती है, एक प्लेन में मैग्नेटिक वेव वेरी करती है, और वो एक दूसरे को रीइन्फोर्स करती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है, अभी इंडक्शन वगैरह पढ़ा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां वही हो रहा है, ये जो है इस डायमेंशन में एक मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू वाली जो है, जो अप डाउन जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, उसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, और उल्टा वो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा इलेक्ट्रिकल को वापस इंड्यूस कर रही है। तो ये ऑफकोर्स इट इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, बट ये ईएम वेव थ्योरी करके एक पूरी थ्योरी है जो आप 11th-12th में थोड़ा बहुत सीखेंगे, आगे जाके और डिटेल में सीखेंगे। बट जितनी भी लाइट वेव्स हैं और जितनी भी रेडियो वेव्स हैं, दे हैव दिस प्रॉपर्टी, दे आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दे ऑल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज वेरी वेरी फास्ट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एंड नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन। द डिस्टेंसेज बिटवीन एनी टू एंटिटीज ऑन अर्थ कैन बी रीच्ड इन हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स एट मोस्ट, राइट? So this is a very useful medium for communication for us because this is very fast, and through this, and it also has a lot of capacity. अगर आप properly उसको manage करें तो हम बहुत सारे bits बहुत छोटे समय में उसके through भेज सकते हैं. Of course, using lot of technology, lot of processing, जो हम एक जो भी हम chip बनाएंगे उसमें बहुत processing डालेंगे, बहुत logic डालेंगे, तभी वो हम millions और billions of bits पर सेकेंड भेज पाएंगे, बट दैट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आर कम्युनिकेशन, चाहे वो वायर के थ्रू है चाहे वो वायरलेस है। वायर के थ्रू जैसे मैंने कहा लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस तो आपने देखा ही है, टावर लगा है और उससे ट्रांसमिशन हो रही है। आपको पता है कि जो रेडियो वेव्स है उनका प्रोपोगेशन थ्रू द एयर काफी इंटरेस्टिंग होता है, आयोनोस्फीयर से रेडियो वेव्स बाउंस भी कर जाती हैं। अगर आप एएम और शॉर्ट वेव देखें तो शॉर्ट वेव का तो बहुत ज्यादा दूर तक जाती है क्योंकि वो आयोनोस्फीयर से बाउंस कर जाती है। जब हम एएम बोलते हैं या शॉर्ट वेव बोलते हैं, जब हम एफएम रेडियो सुनते हैं तो उसमें भी आपको वो बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे लगाइए, उस फ्रीक्वेंसी पे लगाइए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्क हो जाते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं आप, वो मोर एंड मोर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाली बात हो जाती है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो जाता है। छोटी फ्रीक्वेंसीज में क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है उसकी, टेंस ऑफ मीटर्स और मोर होती है, तो उसका जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा फर्क होता है। अगेन यहां मेरे पास टाइम नहीं है इन डिटेल्स में जाने का, बट दैट इज वॉट वी यूज। कैसे जनरेट करें हम ईएम वेव? आप एक छोटा सा सोलेनोइड लेके स्पार्क ग्रैब कर देंगे, उससे भी ईएम वेव जनरेट हो जाएंगी। ऑफकोर्स अनकंट्रोल्ड बहुत सारी ईएम वेव जनरेट हो जाएंगी। एक स्पार्क होता है उससे भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इनफैक्ट अगर आप स्पार्क करें और आपका आपने ये देखा होगा कि आपके पास जैसे ऑडियो इक्विपमेंट है और आपका सेलफोन आ जाए, कुछ आपने देखा है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार अगर किसी का फोन यहां पड़ा है और आप दूसरे फोन से मतलब वायरलाइन फोन से बात कर रहे हो तो उसमें सडनली नॉइज आने लग जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स एंड वेरी पावरफुल विल इंड्यूस अ करंट इन द कॉपर कंडक्टर, राइट? सिमिलरली अगर आपके स्पार्क्स होंगे तो दे विल कॉज डिस्टर्बेंस टू योर वायरलेस कम्युनिकेशन। Now, the second aspect to make the EM communication work, we need good antennas so that we can direct के वो जो electromagnetic energy है वो किसी direction में जाए, अगर हमें direction में भेजनी है उसको, या हम उसको जो electromagnetic energy मेरे interest की है वो मैं capture कर सकूं। जैसे ये antenna है, इसमें ये जैसे आपने पुराने phone देखे होंगे
उसमें ये छोटा सा एंटीना ऐसे लगता था। आजकल जो एंटीनाज है वो इस तरह से कुछ छोटे से एंटीना फोन के अंदर ही बिल्ड कर देते हैं, अलग से बाहर से आज के फोनों में ये इस तरह का एंटीना नहीं दिखता आपको, जबकि 5-7-10 साल पुराने फोनों में ये दिखता है, राइट? बिकॉज वो एंटीना टेक्नोलॉजी हैज चेंज। आज के दिन वो इसी पे बोर्ड पे ना, जैसे इसमें यहां इन्होंने एक पैच एंटीना मारा हुआ है ट्रांसमिट करने के लिए, ऐसे रिसेप्शन के लिए भी वो ऐसी बोर्ड पे एच कर देंगे कॉपर, एक पैटर्न एच कर देंगे विच इज डिजाइन टू वर्क वेल ऑन द फ्रीक्वेंसीज दैट फोन इज सपोज टू वर्क। आपके कार में ऑफकोर्स आपने देखा होगा एफएम का एंटीना इस तरह का होता है, या किसी और तरह का कार में ऊपर एक घंटी लगी होगी। ऑफकोर्स टीवी एंटीना पुराने जमाने में जो ऑनलाइन जो ट्रांसमिशन टावर से लेते थे लोग, केबल टीवी नहीं यूज करते थे, इस तरह के एंटीना सैटेलाइट में मैसिव एंटीनाज होते हैं, सैटेलाइट क्योंकि दूर बहुत है तो उसको फोकस करने के लिए वी नीड अ बिगर एंटीना। नाउ कमिंग बैक टू अ सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क जैसे वो लगा है, कॉन्सेप्चुअली मल्टीपल कंप्यूटर्स आते हैं और बीच में एक हब लगा हुआ है जिसमें से तारें जा रही हैं, इस तरह की लाल, जैसे ये लाल तार है, टिपिकली यू विल फाइंड दिस इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर केबल, कैट 5 होगी या जो भी उसका नाम होगा, इस तरह की तारें जा सकती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब उससे तो खाली मान लो मैं लैन लगा दूं, और जैसे आपकी डीआई में लैन लगाऊ, उस लैन से हर फैकल्टी के ऑफिस में हर लैब में तार आ रही है, वहां जो कंप्यूटर पड़े हैं वो कनेक्टेड है, वो सब आपस में कनेक्टेड है, राइट? अब लेकिन डीआई से बाहर मेरे को बात करनी है तो कैसे बात करते हैं? तो दिस इज नोन एज कि ये तो आपका कैंपस का इंट्रानेट हो गया, नेट within your campus, the word we use intranet, intra, not inter, intra, आपके ये एक लेवल का नेटवर्क होंगे। अब हर कैंपस में ऐसे होंगे, हर ऑफिस में ऐसे होंगे, उनको आपस में जोड़ने के लिए और नेटवर्क होने पड़ेंगे। आपने जैसे रिलायंस से कनेक्शन लिया हो तो रिलायंस का एक नेटवर्क होगा, रिलायंस वाले और अगर कोई एयरटेल वाला है तो रिलायंस और एयरटेल में आपस में कनेक्शन होगा कुछ, तभी तो मेरा, अगर सपोज मैं रिलायंस का कस्टमर हूं, दूसरी यूनिवर्सिटी एयरटेल की कस्टमर है, तो मेरे से इंफॉर्मेशन उस आदमी तक कैसे पहुंचेगी? मेरे से पहुंचेगी मेरे लैन के थ्रू, और फिर क्योंकि मेरा कनेक्शन है रिलायंस से तो रिलायंस के नेटवर्क में, रिलायंस के नेटवर्क से एयरटेल के नेटवर्क में अगर उनके आपस में कनेक्शन है, फिर एयरटेल के नेटवर्क से वो अपने कस्टमर के नेटवर्क में, फिर वो जो पीसी जिससे आप बात कर रहे हैं, राइट? तो इस तरह से ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बना बना के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हायरार्की बन जाती है, और उस पूरी हायरार्की को हम दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की। व्हाई डू वी से डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की? एक वर्ड हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की। हायरार्की दो किस्म की होती है, एक राजा है उसके सब लोग हैं वो उसकी सुनते हैं, फिर उसके नीचे है उसके से, दैट इज नोन एज अ प्रॉपर हायरार्की। एक बॉस है उसकी सब सुनते हैं। इंटरनेट पे ऐसा नहीं है कि एयरटेल वाला मान लेगा कि रिलायंस वाला बॉस है, या आप भी बोलोगे कि रिलायंस वाला मेरा बॉस थोड़ी है, वो तो मेरे को, मैं तो उसको पैसे देता हूं, वो तो मेरा सर्वेंट है, पैसे मेरे से लेके जाता है। तो इस सिचुएशन में नोबडी इज बॉस, बट वी आर ऑल स्टिल कोऑपरेटिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की, right? And the internet is like that. The whole of this is called the internet. If you add up all the different networks which are talking to each other and they all follow a common protocol, a common rule. See, jab aap bol rahe ho ki na main boss hu na tum boss ho, par hum ikatthe kaam bhi karenge saath, aur kaam kuch successful uske baad hona hai, so we all have to agree on some ground rules. जैसे आप यहां बैठे हैं, आपको पता है कि यहां बैठना है, टीचर की तरफ देखना है, बीच में हल्ला नहीं मचाना, ये एक प्रोटोकॉल है लेक्चर में बैठने की। टीचर है वो कुछ भी बोलता रहे, आपको चुपचाप बैठ के सुनते रहे, बाद में जाके हंस रहे कि क्या बेवकूफी की बात टीचर कह रहा था, राइट?
तो ये प्रोटोकॉल हो गई एक किस्म की। इसी तरह अगर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से बात करनी, एक कंप्यूटर एक एंटिटी को बिलोंग करता है, दूसरा कंप्यूटर दूसरे एंटिटी को बात करता है, बिलोंग करता है, तो बात को तभी कर सकते हैं अगर कुछ फंडामेंटल चीजों पे वो एग्री करते हैं, राइट। तो वो जो फंडामेंटल चीजें जिसपे एग्रीमेंट सबको करना पड़ता है, दोज आर कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स। उनको लिखा जाता है, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और सबको बोला जाता है जो जो इसमें पार्ट करेंगे वो सब इसमें साइन अप करेंगे एंड दे विल ऑल फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू वायलेट द प्रोटोकॉल यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द नेटवर्क एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुली एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। सो इन सच ए सिनेरियो ऑल दीज डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे अब आपने आपने फेसबुक से बात करनी है तो कैसे बात होगी, गूगल से बात करनी है आपके ब्राउजर में तो कैसे बात होगी, सब स्टैंडर्डाइज होके इसके बड़े बड़े स्टैंडर्ड लिखे जाते हैं। लोग बहुत इस पर मेहनत करते हैं कि जिससे कि जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया है उसके बावजूद सब कुछ प्रॉपरली चलता रहे। ये नहीं कि एक आदमी ने बोल दिया वही करते जाओ, तब तो ऑफकोर्स सिस्टम आप एक किस्म का सिस्टम तो बना सकते हो पर उससे सब खुश रहे ये प्रॉब्लम रहती है, राइट। वो आदमी खुश रहता है, राइट। तो यहां हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की बनाना एंड दैट इज द होल इथॉस ऑफ द इंटरनेट। जस्ट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये सारी चीज शुरू हुई थी कंप्यूटर नेटवर्किंग अबाउट 30-35 साल पहले, जबकि आर्पानेट बनाया गया एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन मल्टीपल यूएस यूनिवर्सिटी एंड फंडेड बाय यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट रिसर्च एजेंसी। एंड ये यूएस का नक्शा है जिसमें ये एक पिक्चर है कि कोई 200-300 कंप्यूटर उस टाइम पे आर्पानेट में कनेक्टेड थे, सारी मेजर यूएस यूनिवर्सिटीज उसमें हुक जब थी। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता ही है कि बिट इज द सिंगल बेसिक बाइनरी डिजिट, बाइट इज 8 बिट्स और बाइट को हम टिपिकली हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। अगेन अगर नहीं भी पता आपको तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो हम सपोज एक मैसेज भेजे हाउ आर यू, तो ये हाउ को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी। एच का एक कोड होगा, ओ का एक कोड होगा, एच की या यूनिकोड, डिफरेंट कोड यूज किए जाते हैं जिससे एच को मैप किया जाएगा कोई बाइनरी सीक्वेंस पे ओ को। फिर पूरा हाउ आर यू जो है इसके कुछ 40-50 बाइट बनेंगे, इस पूरे को पैक किया जाएगा एक और इस पूरे को एक मैसेज के नाम से कहेंगे। तो उसको पूरे को हम एक पैकेट के तौर पे बताएंगे कि इसमें हमने इतने सारे बाइट डाल दिए और ये पैकेट बन गया। हाँ, तो मैंने कहा जैसे कि बेसिक कम्युनिकेशन आपका एक मैसेज जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा या कुछ होगा या जो एक कंप्यूटर स्ट्रिंग होगा उसको हमने एक सीक्वेंस ऑफ बाइट जिसको हम एक पैकेट कहेंगे उसमें डाल दिया। फिर हम जो नेटवर्क के ऊपर एक एक करके बहुत सारे पैकेट भेजते जाएंगे, जैसे ये आप लोग इसको एक पैकेट समझ लीजिए, तो बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं, ये सब पैकेट जा रहे हैं इस आदमी से इस आदमी से जा रहे साइमल्टेनियसली। ये आदमी कुछ पैकेट भेज रहा है जो कि जा रहे हैं इस आदमी को, साइमल्टेनियसली ये आदमी कोई पैकेट भेज रहा है जो इधर जा रहे हैं। तो अगर आप नेटवर्क में देखेंगे तो हर कोई ब्लू कलर पैकेट है, कोई व्हाइट कलर पैकेट है, सब मिक्स होकर आ रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है कोई उधर से जा रहा है, जस्ट लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट लिटिल पैकेट गोइंग लेटर गोइंग इन अ लेटर बॉक्स, राइट। इसको हर पैकेट पे हमें लिखना पड़ता है कि ये कहां जा रहा है। जैसे हम हर चिट्ठी पे एड्रेस लिखेंगे, अगर हम 50 चिट्ठियां भेजेंगे चाहे एक ही डेस्टिनेशन को भेजेंगे तो हम 50 बार उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, किसने भेजी फ्रॉम टू, दोनों चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। इसी तरह हर पैकेट पे हम एक कंप्यूटर एड्रेस लिखते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं उसको, सेंडर का, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, और वो पैकेट भेजे जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड अ डेटाग्राम नेटवर्क। जस्ट लाइक टेलीग्राम होती है तो उसी से वर्ड डिराइव है डेटाग्राम। अगर आप डेटा भेज रहे हो तो इट्स अ डेटाग्राम, तो ईच पैकेट इज अ डेटाग्राम
with a from to attached to it. So we took a message, converted it into a packet, added a from to it, became a datagram, and we shipped it into this. So that's how modern computer networking works. This picture actually shows the other scenario. जैसे मैंने कहा आपने फोन कॉल की, जब आपने फोन कॉल की और आपने एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि आप फोन कॉल करते हो, वो इमिडिएटली नेटवर्क एक पास सेटअप करता जाता है, जैसे एक पाइप की सेटअप कर जाता है, जिससे कि जब आप बोलोगे तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो उस पाइप में भेज दी जाए। और अगर वो पाइप सेटअप होने में, इस पाइप को वी यूज द वर्ड सर्किट, इट इज नॉट ऑफकोर्स अ फिजिकल पाइप, इट्स अ लॉजिकल पाइप यू कैन थिंक। अगर मान लो यहां से पाइप निकाल रहा है और यहां सारी पाइपें जो हैं सब यूज अप होगी, फ्री नहीं है, तो आपको मैसेज आएगा ऑल सर्किट आर बिजी, नेटवर्क इज बिजी, नहीं तो बोलते हो राइट, क्योंकि वो पाइप सेटअप कर रहा है, पाइपें उसके पास कैपेसिटी, एक जगह से दिल्ली से आगरा की पाइप उसके पास 24 पाइपें हैं, तो 24 लोग बात कर रहे हैं तो 25वां आदमी बात नहीं कर रहा राइट। ये कंस्ट्रेंट होता है एंड दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क लाइक योर ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क इज कॉल्ड अ सर्किट स्विच नेटवर्क, whereas the datagram kind of network is called a packet switched network. Normally जब भी हम communication करते हैं तो दो चीजों को हमें concern होता है कि कितना हम data भेज सकते हैं एक second में। हम बहुत सारा data भेज सकते हैं तो भी से कि we have a large bandwidth. Bandwidth is a word that describes how much data we can send in a second, and in terms of binary quantities it is bits per second. तो आपने कनेक्शन लेंगे, आप अगर इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे वो बोलेगा 256 किलोबिट की लाइन ली, 2 मेगाबिट की लाइन ली, ये बताता है कि जब आपका कनेक्शन ऑन होगा तो आप 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड भेज सकेंगे। सो दैट इज वन डायमेंशन। द सेकंड डायमेंशन इज लेटेंसी, कि जो आप भेजेंगे वो कितना टाइम लगेगा दूसरी साइड तक पहुंचने में। अगर उसमें डिले ज्यादा है तो भी आपका कम्युनिकेशन जो आप भेजेंगे फिर आप वेट करते रहेंगे आंसर के लिए, तो लेटेंसी इज दी अदर एस्पेक्ट। जैसे अगर आप यहां से मून तक या मार्स तक जब इंटरनेट ट्रैवल होती है कम्युनिकेशन करते हैं तो यहां से मार्स में लाइट को ट्रैवल करने में कितने टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं, किसी को पता है? आपको पता है सन से अर्थ में लाइट को ट्रैवल करने में कितने मिनट लगते हैं? 8-9 मिनट के करीब लगते हैं राइट। और मार्स जो है हमारे से और भी दूर है तो 2-4 मिनट 5 मिनट तो मिनिमम लगते ही होंगे, एग्जैक्ट फिगर मेरे को भी नहीं पता। तो बट व्हाट हैपेंस इज कि वो लेटेंसी तो इसलिए 5 मिनट होगी अगर मैं कुछ भी मार्स को भेजूंगा, इन दी एंड तो मैं लाइट वेव यूज कर रहा हूं, रेडियो वेव यूज कर रहा हूं, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो भी मैं भेजूंगा वहां पहुंचते पहुंचते उसको मेनी मिनट लगेंगे। इवन अर्थ से मून कम्युनिकेशन में कुछ समय इसीलिए लगता है, सेकेंड्स में लगता है, मिनट्स में नहीं बट लगता है। जब डिस्टेंस लार्ज होगा तब तो आपको ज्यादा समय लगेगा, लेटेंसी विल बी लार्ज। सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ नेटवर्क एंड यू लुकिंग एट ईच ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल्स, यू हैव टू वरी अबाउट दीज टू एस्पेक्ट, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, व्हाट इज द लेटेंसी ऑफ द चैनल। फिर उसको एक्चुअली वर्क कराने के लिए बहुत लेयर होनी पड़ती है, जैसे मैंने लिंक लेवल, नेटवर्क लेवल। लिंक लेवल एक्चुअली सिग्नल को भेजता है, जीरोज और वंस को इनटू सम सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल और अदर काइंड ऑफ सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स, एज अप्रोप्रिएट कन्वर्ट करता है और उसको वापस कन्वर्ट करता है। नेटवर्क लेवल देखता है कि यहां से पैकेट यहां पहुंचा तो यहां भेजूं या यहां भेजूं, जिसको कहते हैं हम राउटिंग। वो करता है कि ए से बी जाना है तो यहां भेजूं, यूं भेजूं, यूं भेजूं, यूं भेजूं और यूं भेजूं, ये डिसीजन लेना है उसको, यहां से यूं ना भेज दूं या यहां से यूं जाके यूं ना भेज दूं, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, हर हॉप के बाद उसको ठीक डायरेक्शन में राउट करना, दैट इज राउटिंग एंड दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क। अगेन टू डू दैट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज एंड हैज टू बी नोन टू द डिफरेंट नोड्स टू बी एबल टू डू दैट। अब जैसे मैंने पिछले पिक्चर में कहा था, मैं अगर कुछ बोले जा रहा हूं तो वो एक मैसेज में तो जा नहीं पा रहा, जो मैं दो शब्द बोले वो एक पैकेट बना, उसका नेक्स्ट दो शब्द बोले वो नेक्स्ट पैकेट बना, ऐसे करके हजारों पैकेट में भेजते चला गया। मान लो उसमें से 10 पैकेट खो गए, क्या हुआ दूसरी साइड, कौन सा खोया, उसको दोबारा भेजा जाए, क्या किया जाए, ये सब काम जो है
एंड टू एंड देखा जाता है, मैंने भेजा उसको मिला है नहीं, हर पे सीरियल नंबर डालो, ये लेटर ये वर्ड नंबर ये है, ये पैकेट नंबर 2 है ये 3 है, मिला नहीं मिला, ये सब चीजें जो है ये आपकी एंड टू एंड प्रोटोकॉल जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं वो करती है। और उसके ऊपर अगर आपने ईमेल भेज दिया है तो आपको SMTP यूज करनी पड़ेगी, अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है तो आपको HTTP यूज करना पड़ेगा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल FTP, Telnet, DNS, देयर तो ये सब जो है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स होती हैं, हर एप्लीकेशन के लिए प्रोटोकॉल अलग अलग होनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप वेब ब्राउजर पे चलाएंगे तो वेब ब्राउजर जब मैसेज भेजेगा तो वो किसी वेब सर्वर को मैसेज भेजेगा, तो जो वेब ब्राउजर मैसेज भेजेगा वो वेब सर्वर को समझ आना चाहिए, तो वो जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है हाउ अ वेब क्लाइंट इज टू टॉक टू अ वेब ब्राउजर, राइट। और उसमें फिर HTML एक लैंग्वेज भी है जो आपको थोड़ा बहुत कभी कंप्यूटर क्लास में एक्सप्लेन भी की गई होगी, जिसमें कि वो ब्राउजर के वो पेज बनाया जाता है जो कि इससे पता चलता है आपको उसको डिस्प्ले कैसे करना है, कहाँ लाल करना है, कहाँ नीला करना है, किसको बड़ा करना है, कहाँ पैराग्राफ दिखाना है, ये सब चीजें आप HTML में बता सकते हैं। तो ये सब जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ऊपर, दीज आर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल दैट हैव टू रन ऑन टॉप। टू समराइज, इसमें जो आइडियाज यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, हम लाखों लोगों को कम्युनिकेट करा रहे हैं, ऑफकोर्स जैसे ट्रैफिक में होता है, अगर वो लाखों लोग एक ही दिन किसी पर्टिकुलर जगह के लिए निकल लें तो वो तो रोड कंजेस्ट हो जाएगी, पर वी होप कर हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई आदमी इधर जा रहा है, कोई आदमी इधर जा रहा है, थ्रू द नेचुरल रैंडमनेस और नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, वी कैन मेक सम स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट एंड मेक अ एस्टिमेट कि अगर मेरे रोड साइजेस इतने बड़े होंगे तो स्लो ट्रैफिक सारा स्मूथली चलता रहेगा। सिमिलरली नेटवर्क में भी वी कैन डायमेंशन आवर नेटवर्क कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दिस यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल अजम्पशन दैट आज का ट्रैफिक और पिछले वीक का ट्रैफिक सिमिलर हो, उसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिसोर्स पूलिंग। हमें वो जो रिसोर्सेज हैं सब में पूल हो रहे हैं, राइट। और मैंने ऑलरेडी कह चुका है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की में, इंटरनेट जो है सारा डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की से चलता है। और फाइनली इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सपोज यहां से कम्युनिकेशन आपका, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बोला था, यहां से आप कोई सब्सक्राइबर जो एयरटेल का सब्सक्राइबर है उससे बात कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर, अगर बीच में जो कम्युनिकेशन एयरटेल और रिलायंस के बीच में है वो लिंक ब्रेक कर जाता है, खराब हो जाता है, कोई वजह हो गई, कट गई तार, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा जब तक वो कम्युनिकेशन रिस्टोर हो। अगर ऐसा होगा तो वो कोई डिजायरेबल सोल्यूशन नहीं, राइट। तो उसकी जगह हम जो यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग, हम ढूंढते हैं कि अल्टरनेट कोई रास्ता निकाल लेते हैं और कनेक्शन बना लिए थे उसको, इसीलिए जो रास्ते बनाए जाते हैं जिस तरह से राउटिंग होगी वो पीरियोडिकली नेटवर्क की सिचुएशन देख देख के चेंज किए जाते हैं, दैट इज व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग। फाइनल स्लाइड, जस्ट टॉक अबाउट सम एप्लीकेशन जो मैंने कहा, जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के बारे में, कि आज के दिन मशीन कम्युनिकेशन के अंतर्गत लोग डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें कर रहे हैं। जैसे किसी ने बनाया है ये वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है, आपने अपने फील्ड में सब जगह लगा दिया, कोई इसमें मैनुअल वो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इज बीइंग फेड एंड दैट इज बीइंग यूज फॉर एग्जाम्पल, या कोई पेस्ट मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपने क्रॉप की करनी है, आपने बहुत सारे आपके फील्ड है सब में ये लगा दिया, सारा डेटा कम्युनिकेट होके सेंसर्स के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, इवन सॉइल मॉइस्चर का, इस तरह की चीजें कलेक्ट की और उसको मॉनिटर करके देखा कि अच्छा ये जो है अंगूर अच्छा निकलेगा क्योंकि इसको मॉइस्चर अच्छा मिला, या इसमें एक दो दिन के लिए बहुत जबरदस्त ड्राई स्पेल आ गई, ये वाला अंगूर अच्छा नहीं निकलेगा, तो ये इस काम में ज्यादा यूज किया जाए, राइट। तो इस तरह की चीजें आज के दिन, ये जो मैंने एग्रीकल्चर का डोमेन बताया, ऐसे ही हेल्थ केयर में, डिजास्टर्स में, सिक्योरिटी में, सब में इस तरह की चीजें अप्लाई। Thank you.